हे हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इन फाइन आर्किटेक्चर। तो ये इस वीडियो के थ्रू जो है हम आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स एंड इंटीरियर टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसके साथ में हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी जो है लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, आर्किटेक्चरल कॉम्पोनेंट्स या फिर बिल्डिंग कॉम्पोनेंट्स या और इंटीरियर टर्म्स और एक्सटीरियर टर्म्स, तो बेसिकली जो है आपके जो ये क्वेश्चन है ना, इससे इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छे खासे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और हम 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट की भी बात करें जो रिसेंटली में भी हुआ है, तो इसमें भी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके जो है, जनरली 4 to 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 2-3 मार्क्स का जो उनका वेटेज रहता है। तो ये मान के चलिए कि 12 से लेके 15 मार्क्स तक का आपका स्कोरिंग टॉपिक होता है। बहुत ईजिली इसमें जो है 12 से 15 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आपको कुछ जो है आर्किटेक्चरल कॉम्पोनेंट्स पता होने चाहिए, इंटीरियर टर्म्स पता होने चाहिए, एक्सटीरियर टर्म्स पता होने चाहिए, जो बहुत इजी होते हैं, कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते कि आपको समझ में ना आए। तो हम जो है इन वीडियोस के थ्रू इन्हीं सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारी वीडियो का पार्ट वन रहने वाला है, और हर वीडियो के जो है बाद के पार्ट में जो है हम प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड जो है उठा के उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वो टॉपिक और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। तो अभी हम वीडियो के स्टार्ट, तो फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो है हमारा रेन वाटर गटर्स। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये टाइप ऑफ कंपोनेंट है हमारा वाटर डिस्चार्ज सिस्टम का बिल्डिंग्स के लिए। तो बेसिकली चैनल होता है ये जो रन करता है अलोंग द बाउंड्री ऑफ रूफ दैट कलेक्ट्स रेन वाटर रन ऑफ, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इस तरह से जो है हमारा ये स्लोप रूफ का जो है ये टॉप व्यू है, तो ये वाला जो हमारा एंड होता है ये यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला एंड, इसके अलोंग में जो होते हैं ये चैनल्स जो होते हैं लगाए जाते हैं। जैसे कि आप ये देखो कि रेन वाटर गटर इंस्टॉलेशन में ये आपको व्हाइट कलर के जो चैनल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है, रेन वाटर गटर्स। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है कि यहाँ से जो रेन वाटर जो हमारे आए, तो वो जो है डायरेक्टली यहाँ से जो है रन ऑफ हो सके, और फिर फर्दर वो जो है हमारा रेन वाटर को डिस्चार्ज कर सके इजिली, और वो हमारा जो एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम में जा सके, ठीक है। इन पाइप के थ्रू आप इनको कह सकते हो कि एक तरह का पाइपिंग सिस्टम ही है जो हमारा रेन वाटर जो है रन ऑफ को जो है ड्रेन करने में काम आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसके बेनिफिट्स क्या है, कि कंपेरेटिवली इसको हम क्यों लगाते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम उसको छोड़ दें, डायरेक्टली हमारा जो है टाइल्स के थ्रू भी पानी जो है नीचे हमारे बिल्डिंग में आ सकता है, मतलब ग्राउंड पे आ सकता है, गिर सकता है, तो क्या इसका बेस्ट बेनिफिट है? देखो, उस कंडीशन में क्या होगा कि जब पानी डायरेक्टली आपके जो है रूफ पे चारों तरफ से जो आपके बिल्कुल नीचे सॉइल पे गिरेगा, तो इमेजिन करो कि ये सारा पानी जो है यहाँ पे कलेक्ट होते जाएगा साइड आपके बिल्डिंग के, जो आपके घरों के साइड्स में, तो उससे क्या है कि आपकी सॉइल जो है काफी ज्यादा वीक हो जाएगी, आपकी फाउंडेशन जो है कमजोर होने के चांसेस है, और क्या है कि आपके जो रूफ है ना उनको भी रेन वाटर के थ्रू से हो सकता है कई बार जो है काफी टाइम बाद प्रॉब्लम्स हो सकती है, और वो जो है उनको डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके मेनली बेनिफिट्स होते हैं। अगर मटेरियल की बात करें तो ये हमारा जो है पीवीसी पाइप्स के थ्रू जो है बनाया जाता है। सो नेक्स्ट है हमारा म्यूरल। तो म्यूरल्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा जो है आर्टवर्क का एक पीस होता है जो पेंट के फॉर्म में या फिर डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है वॉल्स के ऊपर, सीलिंग्स के ऊपर, या फिर अदर जो परमानेंट हार्ड सर्फेसिस होते हैं उनके ऊपर बाय द मेथड ऑफ यूजिंग फ्रेस्को और मोजाइक एक्सेट्रा। तो हम इन मेथड से जो है म्यूरल्स को बना सकते हैं। बट अगर ऐसे में म्यूरल्स को समझना हो कि म्यूरल सबसे इजिली हम कैसे समझ सकते हैं, तो म्यूरल्स आर जस्ट लाइक की लार्ज पेंटिंग्स और पिक्चर हो सकता है जो डायरेक्टली वॉल के ऊपर बनाए जाते हैं। म्यूरल्स में ऐसे समझ सकते हो आपकी पूरा का पूरा वॉल जो होता है ना, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा पब्लिक स्पेसेस लाइक मेट्रो स्टेशन देखा होगा, रेलवे स्टेशन देखा होगा, एयरपोर्ट्स वगैरह देखा होगा, कि उनकी जो वॉल्स होती है ना वहां पे क्या होता है कि पेंटिंग्स वगैरह बनी होती है, पूरे के पूरे वॉल को जो होता है कुछ ना कुछ ऐसे आर्टवर्क से कवर किया जाता है, तो उनको कहा जाता है म्यूरल पेंटिंग्स। जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक म्यूरल सीलिंग म्यूरल है कि जो ये सीलिंग के ऊपर जो है इस तरह का म्यूरल बना दिया गया पूरी सीलिंग के ऊपर, या वॉल के ऊपर देख सकते हो कि पूरी वॉल के ऊपर जो ये हमारे पास वॉल है इसके ऊपर जो है इस तरह की पेंटिंग बनाई गई, तो ये हमारा जो है वॉल के ऊपर म्यूरल कहलाएगा। अब इसमें एक टर्म और आती है इससे काफी ज्यादा मिलती जुलती है, जो कि है वॉल्सकेप। तो वॉल्सकेप शायद आपको पता ना हो, बट वॉल्सकेप भी जो है म्यूरल से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। अगर मैं वॉल्सकेप को बताऊं तो आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखे होंगे,
जो मतलब पेंट किए जाते हैं, लाइक आपने फॉरेन वगैरह में बहुत देखा होगा, फॉरेन कंट्रीज में, कि वहां जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उनको एज अ एडवर्टीजमेंट सोर्स के तौर पे यूज किया जाता है, उन बिल्डिंग्स को जो है उनकी जो एक्सटीरियर जो वॉल्स होती है उनके ऊपर ऐसे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह जो होते हैं ना बनाए जाते हैं, उनके पोस्टर्स वगैरह ऐसे पूरे चिपका दिए जाते हैं काफी बड़े जो होते हैं, और या फिर उनकी पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती है, तो उनको कहा जाता है वॉलस्केप। ठीक है, आपने इंडिया में भी कई जगह जाते हो तो आपने देखा होगा मार्केट प्लेसेस वगैरह में कि वहां पे जो वॉल्स वगैरह होती है बिल्डिंग्स की जो मार्केट्स में होते हैं, तो उनके जो पूरी वॉल के ऊपर होता है किस तरह की पेंटिंग होती है जो एडवर्टीजमेंट शो कर रही होती है, तो उनको कहा जाता है वॉलस्केप। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको याद रखा जा सकता है एज एन वॉलस्केप। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रिड वेफल स्लैब की। तो ये दोनों जो टर्म्स है काफी ज्यादा सिमिलर है, ऑलमोस्ट इनका मीनिंग जो होता है सिमिलर ही होता है। तो ग्रिड स्लैब जो होती है सिंपली हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्लैब ही है। इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक जो होती है नॉर्मल हमारी कन्वेंशनल स्लैब है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे, कि ये जो है इनको बनाने के लिए जो है ये जो ग्रिड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं की वजह से इनको ग्रिड स्लैब कहा जाता है। ये सिंपली हमारी रेक्टेंगुलर ग्रिड्स भी हो सकती है, ये हमारी स्क्वायर ग्रिड्स भी हो सकती है। ठीक है, दोनों दो तरह की हो सकती है ये। तो इनको बनाने के लिए जो होता है स्टार्टिंग में बनाते टाइम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मोल्ड्स फिट किया जाता है इनके अंदर। मोल्ड्स को जो है फिट करने के बाद इनके ऊपर कंक्रीटिंग की जाती है, फिर इसको हार्डन होने के बाद जो है मोल्ड्स को निकाल दिया जाता है, उससे ये जो है ग्रिड्स बन जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है सिंपली हमारा नॉर्मल कंक्रीट स्लैब। तो थोड़ा सा ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक डिफरेंट है। इसका डिफरेंट होने की वजह क्या है कि इस तरह की जो ग्रिड स्लैब्स होती है वो काफी ज्यादा नॉर्मल कंक्रीट स्लैब से जो होता है लोड बेयर कर सकती है, इसमें मटेरियल कम लगता है, ये इसका बेस्ट एडवांटेज है, और ये जो होता है इकोनॉमिकल भी होता है। बट हम इसको प्रेफर क्यों करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पब्लिक बिल्डिंग्स हो गए या फिर पब्लिक स्पेसेस हो गए जिनके स्पैन्स जो होते हैं काफी बड़े होते हैं, और वहां पे जो होता है कॉलम, तो देखो आपको अगर ऊपर सपोर्ट देना है अपने स्लैब को तो आपको कॉलम बहुत नेसेसरी चीज हो जाती है, कॉलम बीम स्ट्रक्चर। तो वहां पे क्या होता है कि हमें कॉलम की जो मिनिमम जो होता है कम करना चाहते हैं हम कॉलम के नंबर्स, तो वहां पे हम इस तरह के ग्रिड स्लैब्स यूज करते हैं, तो वहां पे जो है कॉलम्स को जो है रिड्यूस कर देते हैं, कॉलम मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स वहां पे यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा शोरूम्स वगैरह में, एयरपोर्ट बिल्डिंग्स वगैरह में, अगर हम यहाँ देखें कि महाराज छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है वहां पे भी आपको इस तरह का ग्रिड स्लैब जो है देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है लॉन्गर स्पैन्स की और वहां पे जो होता है लोड बेयर करने के लिए सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो ग्रिड स्लैब्स को माना जाता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं फॉल सीलिंग। तो फॉल सीलिंग जो है एक तरह की हमारी सेकेंडरी सीलिंग जो है जिसको डायरेक्टली हंग किया जाता है बिलो द मेन स्ट्रक्चरल सीलिंग, जो हमारी मेन सीलिंग होती है उसके नीचे। तो फॉल सीलिंग नाम से समझ में आता है कि हमारी सेकेंडरी सीलिंग है, एक तरह की डुप्लीकेट सीलिंग है जिसको मेन सीलिंग के नीचे यूज किया जाता है। फॉल सीलिंग का और एक अलग नेम क्या है, ड्रॉप सीलिंग है। आप इसको और सर्च करोगे आपको और डिफरेंट डिफरेंट नेम्स मिल सकते हैं इसके। तो फॉल सीलिंग को जनरली यूज किया जाता है वो एस्थेटिक पर्पज के लिए किया जाता है, और गुड थर्मल इंसुलेशन में बहुत अच्छी होती है और साउंड एब्जॉर्प्शन में भी बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह के मटेरियल के बेस पे फॉल सीलिंग सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको ये सारी क्वालिटीज जो है मिल सकती हैं। लाइक हम मटेरियल्स की बात करें तो डिपेंड करता है मटेरियल्स के अकॉर्डिंग कि पीओपी फॉल सीलिंग होती है, वुडन होती है, पीवीसी होती है, मेटल होती है, ग्लास होती है, ये थर्मोकोल सीलिंग होती है। ठीक है, तो ये इनके अकॉर्डिंग जो होती है इनके जो फीचर्स होते हैं वो बदल सकते हैं। तो अब इनका मेन वो आता है यूज की, अब इसको यूज क्यों किया जाता है सबसे ज्यादा, मतलब आज के टाइम में क्यों इसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। तो इसके पीछे दो वजह हैं, एक वजह है सबसे मेन की एस्थेटिक पर्पस के लिए, और दूसरा वजह है कि हम कई बार जो होता है हमारे जो फैंस और लाइट्स वगैरह जो होती है, एसी डक्ट्स वगैरह जो होती है, फायर प्रूफ जो सिस्टम होता है हमारे स्पेस के लिए, जो हम किसी भी स्पेस के लिए डिजाइन करते हैं ये सारी चीजें, तो उनको छिपाने का जो सबसे जो एक बढ़िया जो स्पेस होता है वो हमारा सीलिंग में ही होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, लाइट्स वगैरह के जो वायरिंग वगैरह होती है और जो एसी डक्ट्स वगैरह जो जा रहे होते हैं सारे, वो हम इस सीलिंग के जो होता है हमारी स्ट्रक्चरल सीलिंग और फॉल सीलिंग के बीच में वो सारी चीजें जो होती हैं उनकी वर्किंग होती है, तो वो सारी चीजें एक्सपोज भी नहीं होती है, हमारे सीलिंग का अपीयरेंस भी बहुत ज्यादा पड़ जाता है। कई बार जब आपकी सीलिंग की हाइट काफी ज्यादा होती है वो थोड़ा सा अजीब सा अपीयरेंस देता है, तो हम उससे नीचे जो होता है सीलिंग की हाइट मान लो ये, तो हम क्या करते हैं कि अपने फॉल सीलिंग यहाँ कहीं लगा देते हैं, तो वो एक प्रॉपर जो होता है यहाँ से कोई देखे तो उसको एक प्रॉपर लुक मिलता है, उसको ज्यादा हाइट नहीं लगती, तो वो थोड़ा सा ऑड नहीं लगता है देखने में। ये भी इसका एक मेन पर्पस है क्या कि आप इसको अपीयरेंस वाइज या फिर स्ट्रक्चरल जो है थोड़ी सी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग और चीजों को कई बार होता है मेंटेनेंस और उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग जो है फॉल सीलिंग को बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारा डॉर्मर विंडो। तो डॉर्मर विंडो क्या है, डॉर्मर विंडो इज अ टाइप ऑफ वर्टिकल रूफ विंडो
ये हमारा जो होता है एक रूफ एलिमेंट होता है या फिर रूफ स्ट्रक्चर कह सकते हो, जिनको वर्टिकली इस तरह की विंडो को जो है वर्टिकली रूफ के ऊपर जो हमारी स्लोप रूफ होती है, इस तरह की विंडो के लिए सबसे मेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपकी रूफ जो होनी चाहिए वो स्लोप्ड होनी चाहिए। और वर्टिकली इन विंडो को जो होता है कंस्ट्रक्ट किया जाता है ओवर स्लोपिंग रूफ, ठीक है, डेट अलाउज नेचुरल लाइट। और इसके थ्रू क्या होता है, नेचुरल लाइट जो होता है मेनली अंदर जाता है, जो एडिशनल स्पेस जो होता है हमारा एक तरह से लॉक्टेड जो स्पेस होता है, ये जो किसी भी रूम या फिर किसी भी स्पेस की तरह ऊपर जो है यूज किया जा सकता है बिल्डिंग के जो अपर स्टोरी जो होता है या फिर एलिवेटेड एरिया कह सकते हो वहां पे, तो वहां पे इस तरह की जो प्रोजेक्टेड विंडोज जो वर्टिकली बनाई जाती है, ठीक है, तो उनको कहा जाता है डॉर्मर विंडो। अब डॉर्मर विंडो के अलावा कुछ और मेन विंडोज आ जाती हैं, लाइक स्काईलाइट, फैनलाइट, लैंटर्न विंडोज। तो ये क्या होती है, स्काईलाइट जैसे कि आपने देखा होगा, इसी तरह के जो स्लोप रूफ्स होते हैं उनके जो ये जो होता है ये वाला स्लोपिंग जो एंड होता है इसके जो अगर पैरेलली हम किसी तरह इस तरह का जो है विंडो यहाँ फिक्स कर देते हैं रूफ के ऊपर, ठीक है, जो इस इन विंडोज का वर्किंग मेनली क्या होता है कि विंडो फिक्स्ड विंडो होती है, ग्लास यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, तो मेनली यहाँ से जो लाइट है ना वो इजिली जो होता है इंटीरियर्स के अंदर जा सकता है। तो स्लोप्ड रूफ के ऊपर आपको इस तरह की विंडोज देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल फ्लैट होंगी, ठीक है, और वो स्लोप्ड रूफ के अलोंग में होंगी, तो उनको कहा जाता है स्काईलाइट। अब फैनलाइट क्या होता है, फैनलाइट बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा जो डोर्स वगैरह होती है, डोर्स वगैरह के ऊपर जो एक छोटी सी जो है विंडो बना दी जाती है लाइट एडमिट करने के पर्पज से अंदर जो लाइट जा सके, तो उनको कहा जाता है जनरली फैनलाइट। ये वाली जो विंडो जो डोर के ऊपर बनाई जाती है इनको फैनलाइट कहा जाता है, ठीक है। अब लैंटर्न विंडो क्या होता है, लैंटर्न विंडो देखो हमने बेसिकली यहाँ बात की स्लोप रूफ की, जो हमारे फ्लैट रूफ है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ टॉप व्यू इसका, फ्लैट रूफ के ऊपर जो है इस तरह का यहाँ पे जो है हम कुछ ये पिरामिडिकल सा जो है कुछ ये बना देंगे, ठीक है, जो हमारा रेक्टेंगुलर या फिर सॉरी रेक्टेंगुलर तो नहीं ट्राइंगुलर प्रिज्म कह सकते हैं हम, एक तरह से ट्राइंगुलर प्रिज्म सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देंगे और यहाँ पे जो ग्लास फिक्स कर देंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा इस तरह का फ्लैट रूफ के ऊपर लैंटर्न विंडो, तो वो क्या होता है कि वो फिक्स ग्लास होता है फ्लैट रूफ के ऊपर, तो वहां से जो लाइट होती है वो चारों तरफ से जो है वहां मेनली जो है उस पोर्शन में जो नीचे इंटीरियर है वहां पे जाके इजिली जो है उस एरिया को लिट अप कर सकता है, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है लैंटर्न विंडो। आप इनके बारे में और देख सकते हो, पढ़ सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट आता है हमारा परगोला। तो परगोला जो होता है हमारा एक आउटडोर स्ट्रक्चर होता है जो जनरली फॉर्म किया जाता है आउटडोर सिटिंग के लिए, ठीक है, कि आप यहाँ पे बैठ के जो है बाहर का जो है व्यू और एंजॉय कर सको और डायरेक्ट सनलाइट भी आपको जो है ना लगे, ठीक है, तो उसके लिए इस तरह का जो है कॉलम्स के थ्रू जो है कॉलम बीम्स के थ्रू और ये जो आपको इसके ऊपर जो ये एलिमेंट दिखाई दे रहा है जिन्हें राफ्टर कहा जाता है, इससे जो होता है एक हमारा ओपन रूफिंग स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जो सिट आउट के लिए जो होता है काम आता है। नॉर्मली आप लोगों ने घरों के बाहर देखा होगा गार्डन वगैरह में, तो ये एक हमारा गार्डन एलिमेंट के तौर पर भी आप इसको कह सकते हो। आप इसकी एस्थेटिक पर्पज बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो है जो क्लाइंबर्स होते हैं छोटे छोटे क्लाइंबर प्लांट्स जो होते हैं वो ऐड करके आप इसकी जो एस्थेटिक पर्पज जो के अकॉर्डिंग जो है आप इसकी ब्यूटी जो है बढ़ा सकते हो। इससे काफी मिलता जुलता जो है एक और नाम आता है गजीबो। तो गजीबो आप लोगों ने मेनली गार्डन्स वगैरह पार्क्स वगैरह में देखा होगा कि जो आपका हेक्सागनल ऑक्टागनल जो स्टाइल में जो आपको ये देखने को मिलते हैं ये इस तरह के, तो ये आपको जो है जनरली जो है सिटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इन दोनों का कंपेरिजन देखो तो ये पूरी तरह से ओपन नहीं होता है, ठीक है, रूफिंग इसमें भी होती है और ये कई और डिफरेंट जो है शेप्स में जो है फॉर्म किया जा सकता है और इसका भी जो पर्पज होता है वो जो व्यू को जो है थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए इस तरह से जो है गार्डन्स वगैरह में जो है ये बनाया जाता है, तो इनको गजीबो कहा जाता है। नॉर्मली हम घरों के बाहर जो इस तरह के गार्डन्स वगैरह में बना लेते हैं तो उनको परगोला कहा जाता है। सो अभी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं और ये भी थोड़ी बात कर लेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, किस तरह से प्रेफरेंसेस देनी है अपने ऑप्शंस को ताकि हमारे ऑप्शंस जो है ज्यादा से ज्यादा सही हो सके और हमारे फुल मार्क्स आने के इन क्वेश्चंस में चांसेस को हम इंक्रीज कर सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें फोर आर्किटेक्चर इंटीरियर कॉम्पोनेंट्स बताने हैं इस इमेज में, तो इनके ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज पेरगोला। तो पेरगोला मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो होता है ओपन रूफिंग स्ट्रक्चर होता है एक तरह से, जो हम नॉर्मली बाहर सिट आउट बैठने के लिए गार्डन्स वगैरह में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पेरगोला जैसा कुछ भी नहीं है तो हम इसको कट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है राफ्टर। राफ्टर जनरली आपका जो रूफिंग एक कंपोनेंट होता है, सिंपली अगर हम बात करें तो देखो इस तरह के जो स्लोप ऐसे रूफ्स होते हैं,
ठीक है, इसमें ये वाला जो आपका पोर्शन होता है, जो कॉमन मिडल वाला जो पोर्शन होता है, इसको रिज कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलोंग में जो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये कंपोनेंट जो ये रन करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको कहा जाता है वॉल प्लेट, ठीक है। और ये रिज, रिज से लेके वॉल प्लेट तक जो ये कंपोनेंट रन करता है, इसके ऊपर फिर हमारा रूफ जो होता है, रूफ स्ट्रक्चर जो होता है सपोर्ट करता है ये, इसको कहा जाता है सिंपली राफ्टर। तो यस, राफ्टर हमारा है यहाँ पे। फिर देखते हैं स्टोन मेसनरी। तो देखो, सबसे पहले जानना ही जरूरी है मेसनरी क्या होता था। मेसनरी हमारा जो है स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने का जो एक मेथड होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसको कहा जाता है मेसनरी वर्क। तो स्टोन मेसनरी में सिंपली स्टोन का यूज करके मेसनरी वर्क जब किया जाएगा, स्टोन मेसनरी कहलाएगा। तो नहीं, यहाँ पे मेसनरी जैसा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, स्टोन मेसनरी तो बिल्कुल नहीं, स्टोन कुछ यहाँ यूज नहीं दिखाई दे रहा, स्टोन मेसनरी नहीं होगा। हार्थ क्या होता है? हार्थ सिंपली जो होता है फायर प्लेस जो होता है हमारे घरों के अंदर, तो फायर प्लेस के आसपास का जो पोर्शन होता है, जैसे आप यहाँ देखो ये वाला पोर्शन जो है हमारा सिंपली फायर प्लेस है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो ये फायर प्लेस है, तो इसके अराउंड में जो भी पोर्शन है इसको कहा जाता है हार्थ। तो यस, हार्थ हमारा है। कैबिनेट्स अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको यहाँ पे कैबिनेट्स जो है दिखाई देंगे, तो कैबिनेट्स भी हमारा है। लेमिनेटेड फ्लोर जो है, ये लेमिनेटेड जो है मटेरियल जिसपे जो फ्लोरिंग की जाती है उसको लेमिनेटेड फ्लोर कहा जाता है। तो यस, हमारा लेमिनेटेड फ्लोर भी है, ठीक है। पैनल डोर अगर हम बात करें तो पैनल डोर, यहाँ पे डोर हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा इस इमेज में, तो पैनल डोर जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर वार्डरोब की बात करते हैं, तो वार्डरोब सिंपली जो हमारा, इसको आप अलमीरा कह सकते हो, जो सिंपली कुछ भी सामान वामान रखने के लिए जो है रूम्स वगैरह में घरों में काम आता है, तो वार्डरोब भी नहीं है। लेज जो होता है, सिंपली लेज क्या होता है? लेज हमारा एक जो है प्रोजेक्टेड पोर्शन होता है, जनरली वॉल्स वगैरह से जो है प्रोजेक्टेड होता है, जो छोटे मोटे सामान वामान रखने के लिए जो है काम आता है। तो हम कह सकते हैं यस, ये वाला जो पोर्शन है ये लेज है हमारा, जो वॉल से प्रोजेक्टेड है, तो हम इसको कह सकते हैं लेज है। तो देखो, आपको जनरली क्या करना होता है, प्रेफरेंस अगर आप किसी ऑप्शन को दे रहे हो तो आपको श्योर होना होता है, 70-80% तो एटलीस्ट होना होगा आपको, कम से कम वो ऑप्शन जो है आपका जो है आपको सही लग रहा हो, तभी आप जो है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करो। एक बार सेलेक्ट करो, फिर उसमें भी देखो, अगर आपको 6 ऑप्शन मिल रहे हैं, 7 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आप प्रेफरेंस दो कि आप 4 क्या सेलेक्ट करोगे, जहां पे आपको पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। तो इस हिसाब से मैं अपने ऑप्शंस को जो होता है सेलेक्ट करना पड़ता है, और उसमें भी फिर पहले प्राइमरी सिलेक्शन करना होता है, सेकेंडरी सिलेक्शन, फिर हमें फाइनल आंसर्स मिलते हैं, इनकेस जब आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस जो है सिमिलर दिखे। वैसे इन क्वेश्चंस में आपको सीधे सीधे ऑप्शंस एकदम सही सही दिख जाते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं ये क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये बिल्डिंग जो है हमें यहाँ पे आर्किटेक्चर कॉम्पोनेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर कॉम्पोजिशन बताने हैं, जो कि इस इमेज में मतलब जवाहर कला केंद्र जयपुर में डिजाइन बाय आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन ढूंढने हैं। देखो, सबसे पहला ऑप्शन आता है ओपन एयर थिएटर। तो यस, ये जो है पूरा का पूरा जो ये आपको दिखाई दे रहा है स्पेस, ये हमारा ओपन एयर थिएटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा आता है ज्योमेट्रिक। तो यहाँ यस, यहाँ पे हमें बहुत सारे ज्योमेट्रिक जो है डिजाइन पैटर्न जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो यस, हम इसको ज्योमेट्रिक में भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तीसरा आता है म्यूरल्स। तो म्यूरल्स मैंने आपको बताया था, किसी भी वॉल के ऊपर जो है पिक्चर या फिर पेंटिंग जनरली जो की जाती है, आर्ट वर्क किया जाता है, उसे म्यूरल कहा जाता है। तो यहाँ पे भी म्यूरल जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो म्यूरल को कंसिडर नहीं करेंगे। फिर आता है सेंटर्निटी। तो यस, यहाँ पे सेंटर्निटी वाली चीज जो है एग्जिस्ट कर रही है, तो ये हमारा सेंटर्निटी वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है डॉर्मर विंडो। डॉर्मर विंडो सिंपली मैंने आपको बताया था, जो प्रोजेक्टेड वर्टिकल विंडो होती है स्लोप रूफ पे, तो यहाँ पे स्लोप रूफ जैसा कुछ भी नहीं है, और डॉर्मर विंडो वाला भी कुछ यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। स्काईलाइट भी जो होता है स्लोप रूफ के अलोंग में जो हम विंडो जो है बनाते हैं, तो उसको भी जो है स्काईलाइट कहते हैं, तो वो भी नहीं है। ऑर्डर जो अगर हम बात करें, तो देखो यस, ऑर्डर काफी सारी चीजें हमें ऑर्डर वे में दिखाई दे रही हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि यस, ऑर्डर हमारा हो सकता है। फिर हम कह सकते हैं एच ऑप्शन कर्व्ड कॉलम्स। तो नहीं, यहाँ पे कॉलम जैसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कर्व्ड कॉलम्स बिल्कुल नहीं है। स्टेज, यस, स्टेज जो है आपको बीच वाला जो पोर्शन है, तो यस, ये हमारा स्टेज है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। हमने चूज किया है ओपन एयर थिएटर 1, 2, सेंटर्निटी 3, फिर उसके बाद हमने ऑर्डर, फिर उसके बाद हमने स्टेज, ये हमारे 5 ऑप्शन है। तो आप चाहो तो इसमें अगर आपको डाउट है ऑर्डर पे, तो आप ऑर्डर ना सिलेक्ट करके आप स्टेज सेलेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा आप जो है सेंटर्निटी सेलेक्ट कर सकते हो, ज्योमेट्रिक कर सकते हो सेलेक्ट, और ओपन एयर थिएटर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में मेनली हमारे 4 जो ऑप्शन है वो ये रहेंगे, ठीक है, तब आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल। सो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे हमें 4 आर्किटेक्चर कंपोनेंट ढूंढने हैं इंटीरियर इमेज में, जो कि ये पैलेसियल ड्वेलिंग जो है फाउंड इन
चैत्यानंद तमिलनाडु में, इसकी जो इमेज है इसके बारे में बताना है। ठीक है, इनके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला है स्टोन बीम्स, तो नहीं, स्टोन यहाँ पे स्टोन वर्किंग हमें नहीं दिखाई दे रही है, सारा का सारा वुडन में वर्क है, स्टोन बीम्स हमारा नहीं होगा। फिर आता है वुडन कॉलम्स, तो यस, ये जो कॉलम्स आपको, ये सारे जो कॉलम्स देख रहे हो, ये सारे हमारे वुडन कॉलम्स हैं। फिर आता है रेज्ड प्लेन, तो अगर आप ध्यान दो, ये वाला पोर्शन जो है ये लोअर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है अबव पोर्शन है। तो अगर आप इसको कंपेयर करो और यहाँ पे देखो, ये प्लिंथ जो है आपको दिखाई देगा कि ये हमारा सिंपली जो है ग्राउंड, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं ग्राउंड प्लेन, और ये हमारा प्लिंथ हो गया, और ये वाला पोर्शन जो है इसको कह सकते हैं कि ये हमारे जो है रेज्ड प्लिंथ है। तो यस, रेज्ड प्लिंथ भी है। प्लिंथ बेसिकली क्या होता है, हमारे हाउस में जो अपर जो पोर्शन होता है, जनरली जो ग्राउंड से जो ऊपर होता है और जहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर जो है लाई करता है, उसे हम नॉर्मली प्लिंथ लेवल कहते हैं, या फिर प्लिंथ कहते हैं घर में। इल्यूजन की बात करें तो यहाँ पे इल्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इल्यूजन जैसा कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, इल्यूजन हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। फिर आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो नहीं, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा भी यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या फिर कुछ भी ऐसा उसका एलिमेंट हम देख के कह सके कि ऐसा है, इसको भी हम कट करते हैं। ग्रिड स्लैब, तो मैंने आपको ग्रिड स्लैब में बताया था, बेसिकली ग्रिड स्लैब में क्या होता है कि सीलिंग जो होती है वो ग्रिड्स के फॉर्म में दिखाई देती है, उसे सिंपली हम जो है ग्रिड स्लैब में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ग्रिड स्लैब जैसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिजाइन, तो यस, आपको वेरियस नंबर ऑफ जो है ज्योमेट्रिक डिजाइन यहाँ पे दिख जाएगा, ये यहाँ से लेके आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, तो काफी आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन देखने को मिल जाएगा। फिर आता है ब्रैकेट्स, तो देखो ब्रैकेट्स क्या होता है, ये कॉलम का एक एलिमेंट होता है बेसिकली, जो कॉलम को और बीम को जो होता है एक तरह से सपोर्ट करता है, और बीम का जो लोड होता है वो कॉलम पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो ये वाला जो पोर्शन जनरली आप कॉलम्स में जो है, अगर हम बीम इसके ऊपर रखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो इस तरह का जो पोर्शन कुछ जो होता है, ठीक है, जो कॉलम से जो है अटैच होता है, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये पोर्शन, इनको कहा जाता है बेसिकली ब्रैकेट्स। तो यस, ब्रैकेट्स भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले पोर्शन में ब्रैकेट आपको दिखाई देगा, यहाँ ये वाले ब्रैकेट दिखाई देगा। फिर बात करते हैं फॉल सीलिंग, तो यस, इस इमेज में जो है ये पूरा का पूरा जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये फॉल सीलिंग में जो है वुडन फॉल सीलिंग यहाँ पे की गई है। तो ये हमारे जो है हमने ऑप्शन जो है चूज किए हैं, जो देख लेते हैं एक बार, बी सी जी एच आई, तो आप इनमें से चार ऑप्शन जो भी सेलेक्ट करोगे तो आपको जो है फुल मार्क्स इसमें अवॉर्ड किए जाएंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमें चार फिर से वही एप्रोप्रिएट आर्किटेक्चर कॉम्पोनेंट बताने हैं, वॉल्यूम्स दैट यू फाइंड इन द इमेज, जो आर्किटेक्चर कॉम्पोनेंट एंड वॉल्यूम्स बताने हैं, जो कि ये बेल्जियन एम्बेसी जो है डिजाइन बाय सतीश गुजराल एट दिल्ली, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं स्टेप डाउन टेरेसेस, तो यस, यहाँ पे जो है आपको स्टेप डाउन मतलब जो है सिंपली क्या है कि आप जो है ऊपर के पोर्शन से जो स्टेप डाउन जाके जो है नीचे पोर्शन तक आप कनेक्टिविटी जो दिखाई जा रही है आपको टेरेसेस, तो इसको कहा जा रहा है स्टेप डाउन टेरेस। तो यस, यहाँ पे स्टेप डाउन टेरेस है। और रेन वाटर गटर्स, तो देखो मैंने आपको बताया था कि स्लोप रूफ के अलोंग में जो होता है पैरामीटर जो होता है उसका बाउंड्री एज के अलोंग में जो है एक जो चैनल जो चलता है इस तरह का, जो रेन वाटर को कलेक्ट करता है और उसको ड्रेन ऑफ को जो है ड्रेन तक ले जाता है, तो उसको कहा जाता है सिंपली हमारा रेन वाटर गटर। तो वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कम्युनिटी स्पेस की बात कर लेते हैं, तो कम्युनिटी स्पेस जैसा भी हमें यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कम्युनिटी स्पेस, तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। सिलेंडर्स, तो यस, यहाँ पे अगर आप वॉल्यूमेट्रिक की बात करते हैं, यस, हमें सिलेंडर्स दिखाई दे रहे हैं, आप ध्यान से देखो, यस, ये रे सिलेंडर्स, तो हम सिलेंडर को कंसिडर करेंगे। म्यूरल्स जैसा भी यहाँ पे कुछ नहीं है, वॉल के ऊपर पेंटिंग या आर्ट वर्क कुछ भी नहीं है, म्यूरल्स भी नहीं है। सिट आउट, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा बेसिकली सिट आउट के लिए यूज हो रहा है, ये यहाँ वाले पोर्शन, तो हम इसको सिट आउट को कंसिडर करेंगे। फिर आता है एक्सपोज ब्रिक वर्क, तो यस, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो एक्सपोज ब्रिक वर्क में, कि आपको ये ब्रिक वर्क जो है एक्सपोज फॉर्म में दिखाई देंगे, तो इनको एक्सपोज ब्रिक वर्क कहा जाता है सिंपली, तो यस, एक्सपोज ब्रिक वर्क भी है। ग्रिड स्लैब, तो ग्रिड स्लैब जैसा जो स्लैब मैंने आपको सिंपली बताया था कि ग्रिड्स के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, तो यस, नो, यहाँ पे ग्रिड स्लैब जैसा भी कुछ भी नहीं है। डोम्स की बात करें तो यस, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये एलिमेंट और यहाँ पे ये एलिमेंट जो है हमारा डोम की जो है ये आपको जो है फॉर्म में दिखाई देगा, तो यस, हमारा डोम्स भी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, हमने सेलेक्ट किया है ए डी एफ जी और आई, ए डी एफ जी आई हमने सेलेक्ट किया है, तो आप इसमें से कोई भी चार ऑप्शन जो है इन पांच ऑप्शन में सेलेक्ट करोगे तो आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये जो आज की जो वीडियो है वो खत्म होती है।
आप कमेंट्स में बता सकते हो आपको वीडियो कैसे लगी और आप अगला पार्ट जो है किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, कोशिश करेंगे कि हम इसी का अगला पार्ट जो है लाएं। और आप जो है लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और तब तक हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।